बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ तूफानी ओपनिंग ली। इस फिल्म की कमाई की जानकारी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दी, जिसका पहले से ही अनुमान था कि अजय देवगन की यह फिल्म तमाम आलोचनाओं के बाद भी शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब होगी। अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने उत्तर भारत में पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन किया, जबकि दक्षिण भारत में रजनीकांत की फिल्म दरबार की वजह से फिल्म को घाटा हुआ। अजय देवगन की फिल्म की टक्कर दीपिका की फिल्म छपाक से थी, क्योंकि दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। हालांकि दोनों फिल्मों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था, अजय देवगन ने इस फिल्म से एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बता दें कि फिल्म में अजय देवगन के साथ काजोल भी मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म में अजय देवगन छत्रपति शिवाजी के सेनापति सूबेदार तानाजी के मालूसरे के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन और काजोल के अलावा सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी और शरद केलकर भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक